हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है रुक गई है, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीडियो होने वाला है आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल। तो वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो गाइज, मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जो है काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक गई है। तो सबसे पहली चीज है कि हम बाहर से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी पोषण देना सबसे ज्यादा जरूरी है बालों को। इसी से आपके बाल जो है मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। और मजबूत का इन द सेंस है कि जब आप अपने बालों को ऐसे करके करते हो ना, तो गुच्छे यानी कि बंच में आपके बाल नहीं निकलते हैं। इट मीन्स कि आपके बाल हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपके बाल निकलते हैं, आप इस तरीके से अपने बालों को करते हैं और बंच में ऐसे बाल निकल जाते हैं, मेरे एक भी नहीं निकले, तो इट मीन्स कि आपके बाल अनहेल्दी हैं और आपको प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं जो आपके बालों के लिए जरूरी होता है। ओके, तो बालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है? सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए भी, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी। लेकिन बालों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, साथ ही साथ पोटेशियम, जिंक और आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके हेयर के लिए। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा जितने भी ऑयल्स होते हैं उसमें विटामिन ई जरूर होता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो है लोग बोलते हैं कि आपको ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि इससे आपके बालों को पोषण मिलता है क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑयल में बहुत अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और हर सीजन के अकॉर्डिंग ये ऑयल जो है आपको चूज करना चाहिए। तो ये आपके बालों को एक्स्ट्रा केयर यानी कि एक्स्ट्रा पोषण देता है। आपने ये भी सुना होगा कि आप जिस रीजन में रहते हैं वहां का हेयर ऑयल आपके लिए बालों के लिए परफेक्ट होता है। या इट्स ट्रू, क्योंकि अगर आप साउथ में रहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जो साउथ के लोग हैं वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप साउथ के लोगों को देखिए तो साउथ में जो है कोकोनट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का जो बैकग्राउंड है वो उसी तरीके का है। तो वहां के लोगों को कोकोनट ऑयल जो है बहुत ज्यादा सूट करता है, तो वो खाने में भी यूज करते हैं, अपने बालों में भी यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर भी जो ऑयल ज्यादा होता है, जो ऑयल सुटेबल है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, जिसकी खेती होती है, वो वाला ऑयल आपको यूज करना चाहिए क्योंकि वो आपको 100% सूट करेगा ही करेगा। और ऑयल आपको सूट करे या ना करे, बट ये ऑयल 100% सूट करेगा। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो आप अपने रीजन के हिसाब से देख लीजिए वहां कौन सी जो है ऑयल जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो वैसे तो बहुत ही सारी जो है ऑयल की गुडनेस, सभी ऑयल में कुछ ना कुछ गुडनेस क्वालिटीज डेफिनेटली रहती ही रहती है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो ऑयल आपको ज्यादा सूट करेगा जो कि आपके रीजन में होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको खाने में क्या क्या चीजें लेनी है, तो विटामिन डी आपको मिलता है धूप से। बहुत से लोग बालों में धूप बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि सुबह 9 बजे के पहले यानी कि मॉर्निंग आप अगर सनराइज लेते हैं तो वो आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करती है। तो विटामिन डी जैसे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन ई मैंने आपको बताया, विटामिन ई आपको बादाम में मिलता है, नट्स में मिलता है, तो आपको नट्स वगैरह जरूर खाने चाहिए, जैसे कि काजू है, बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, इन सारी चीजों को जरूर से जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद मैं गाइस बात करूं तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको स्पिनेच जो है सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, स्पिनेच है, गाजर है यानी कि पालक, गाजर और आंवला, ये तीनों चीजें आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्क करती हैं, आपके बालों को पोषण प्रोवाइड करती हैं। तो इन चीजों को आप अपने डाइट में जरूर से जरूर इंक्लूड किया करिए। इसके अलावा ये सारी कैप्सूल भी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ओके, तो आप इन सब चीजों को भी इंक्लूड, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप एज अ सप्लीमेंट इन कैप्सूल्स को भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है। इनके अलावा आपको सीजनली फ्रूट्स जरूर से जरूर लेने हैं, जो भी सीजन के अकॉर्डिंग आपके आसपास एरिया में जो फल मौजूद हों उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया करिए। प्रोटीन जरूर से जरूर लीजिए क्योंकि प्रोटीन जो है बालों की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है।
तो प्रोटीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दाल, दाल हम सब खाते हैं, तो दाल एक कटोरी आप ज़रूर से ज़रूर लिया करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पालक लीजिए, दाल पीजिए, पनीर खाइए, मतलब जो भी चीज़ें जिनसे कि आपको प्रोटीन मिलता है उन चीज़ों को इंक्लूड करिए अपने डाइट में, तो ये आपके बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कई बार हमारे बाल टूट जाते हैं, मतलब बाल तो हमेशा ही टूटते हैं जब भी हम उसका केयर नहीं करते अच्छे से, लेकिन प्रोटीन इंक्लूड करने से हमारे डाइट में हमारे बालों की हेल्थ अच्छी होती है और हमारे बाल जो है वो जल्दी टूटते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को इंक्लूड करना। इसके अलावा बहुत से लोगों को आपने देखा होगा बहुत ही टाइट पोनीटेल करते हैं, हाई पोनीटेल या टाइट पोनीटेल हमेशा करते हैं, ये उनके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। आप रात में हमेशा बालों को खुला छोड़ के बिल्कुल भी ना सोएं, रात में आप बालों की चोटी करके सोइए, तो ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए डेफिनेटली अच्छा वर्क करता है। लेकिन अगर आप अपने बालों को टाइटली, अगर आप पोनीटेल बनाते हो तो बहुत हाई आपको टाइट करना पड़ता है और एक टाइट रबर बैंड से सिक्योर करना होता है, तो इससे आपके बाल डैमेज होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोगों को स्कैल्प में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है और उनके स्कैल्प जो है थोड़े वीक हो जाते हैं, द रीजन इज दिस। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा टाइट, अगर आपने कभी कभार स्टाइलिंग कर ली इट्स ओके, आपने बन बनाया, बन बनाने से भी आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो आप बन जो बनाइए लेकिन उसको बहुत टाइटली नहीं बनाइए, बहुत लूज बन जो है ना वो परफेक्ट है आपके हेयर के लिए, लेकिन अगर आप बहुत टाइटली हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो ये आपके बालों को डैमेज करने में बहुत ही ज्यादा अहम योगदान होता है इसका। अगर आप डेली हाई पोनीटेल कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं अपने बालों में, कुछ ना कुछ टाइट सा बहुत सारे पिन और ये सारी चीजें यूज करने से आपके बाल डैमेज होते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कभी कभार ठीक है लेकिन डेली बेसिस पे आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। सर्दियों में हम सभी के बाल बहुत ज्यादा रूखे, सूखे, ड्राई और बेजान से हो जाते हैं। किस किस के होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए अपना ओपिनियन। तो इसलिए बालों की कंडीशनिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर विंटर में, विंटर सीजन अगर आपके यहाँ सर्दियां पड़ रही है तो सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है विंटर सीजन के लिए, आपके बालों को पोषण देने के लिए, साथ ही साथ आपको हीट प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमारे शरीर में ठंडक लगती है हमारे बालों को भी ठंडक लगती है, तो हमारे बालों को ये थोड़ी हीटनेस प्रोवाइड करता है। और विंटर्स में हमें वैसे भी हॉट ऑयल मसाज लेनी चाहिए, तो इसलिए सरसों का तेल बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसको हॉट नहीं भी करते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों को हीटनेस प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल भी जो है आप मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप विंटर में अपने बालों में इस तरीके से पोषण दे सकते हैं, कंडीशनिंग दे सकते हैं। तो आप सरसों के तेल से जो है हेयर मसाज करिए और चंपी करिए प्रॉपर, और हमेशा इन्वर्सिबल मेथड में। इन्वर्सिबल मेथड ये होता है कि पूरे बालों को आप इस तरीके से ऐसे आपने पूरे बालों को आगे कर लिए और उसके बाद अब आपको इस तरीके से चंपी करनी है, ठीक है। तो इससे आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। उसके बाद आती है शैम्पू की बारी। तो शैम्पू हमेशा सल्फेट फ्री यूज करना चाहिए, क्योंकि सल्फेट हमारे इंस्टेंटली तो बालों को बहुत अच्छा स्मूथ बना देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है आपके बालों के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री शैम्पू यूज करिए, हो सके तो हर्बल शैम्पू यूज करिए। आप उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए, अगर सल्फेट की मात्रा कम है और आपको सूट करता है वो शैम्पू तो आप डेफिनेटली उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बालों को डिटेंगल कैसे करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते तो आप जो है वुडन कॉम्ब यूज करिए। सो गाइज, अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपको इस तरीके से बालों को सबसे पहले दो सेक्शन में डिवाइड करके और नीचे के बालों को सॉल्व किया करिए। अगर आप अपने उलझे बालों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके बाल कम टूटेंगे। तो ये मैं सिरम बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा लिवॉन लेना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो जब भी आपके बाल थोड़े से ड्राई, फ्रीजी, क्योंकि विंटर में ऐसा अक्सर ही होता है, तो आप दोनों को अपने पाम में लेके इस क्वांटिटी में अच्छी तरीके से और दोनों पोर्शन में इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। आपको स्कैल्प में बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना होता है, हमेशा बालों की लेंथ में अप्लाई करना होता है कोई भी सीरम और कोई भी कंडीशनर। तो जब भी आप बाल धुलते हैं ना, तो आप वेट हेयर कॉम्बिंग, यानी कि जब बाल थोड़े से गीले और सूखे हों, तब आप जो है उसमें लिवॉन अप्लाई करिए, चाहे तो ये वाला सीरम अप्लाई करें लिवॉन और एलोवेरा जेल मिक्स करके, या फिर आप फ्लैक्सीड जेल वाला सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बालों को इस तरीके से दो पोर्शन में डिवाइड करके हमेशा बालों की लेंथ को पहले सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप ऊपर से नीचे तक
अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कॉम्बिंग कर लीजिए। आपको दिन में 2 बार कॉम्बिंग करनी चाहिए, दैट्स इनफ फॉर यू हेयर। और अगर आप कहीं बाहर से आते हो तो आपको अपने बालों को ज़रूर सुलझाना चाहिए। सुलझाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप अपने बालों को अच्छे से सुलझाते हैं तो फिर आपके बाल जो है कम फ्री। तो गाइज ये देखिए, बस इतने मेरे हेयर फॉल हुए, क्योंकि अगर आपके बाल लंबे हैं तो हेयर फॉल होना है, लाजमी है। लेकिन अगर 10 से 12 बाल टूटते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी मतलब सीरियस मैटर है ये, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। तो इस तरीके से आप अपने बालों की कॉम्बिंग करिए। देखिए बिल्कुल भी बाल नहीं टूटते, आपको नीचे के बालों को पहले सॉल्व करना होता है। और इस तरीके से अगर आप बालों में सीरम लगाते हैं तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप हेयर टोनर यूज़ करिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में आपको आपके साथ शेयर किया है। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई करिए अपने बालों पर, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हेयर स्मूथनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, ये सब कराने से अच्छा है कि आप घर की हर्बल चीज़ों का यूज़ करिए। कि मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, हेयर पैक्स वगैरह, आप उसको इंक्लूड करके अपने बालों में महीने में एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, विच आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।